देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर देवघर के देवीपुर से है। इग्नू विश्वविद्यालय का एक केंद्र अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपुर एम्स में खुल गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन मंगलवार को बीजेपी के गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, इग्नू के रीजनल डायरेक्टर सरोज और एम्स के निर्देशक डॉक्टर सौरभ वासनेर ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इग्नू का सेंटर एम्स के खुलने से एम्स के छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इस स्टडी सेंटर के ऐसे वोकेशनल कोर्स रखे गए हैं जो बेहद ही जरूरी है। एम्स में पढ़ाई करते हुए मेडिकल छात्र इग्नू स्टडी सेंटर में दाखिला लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। देवघर के देवीपुर से सुजीत कुमार संग, अरविंद कुमार यादव की रिपोर्ट। सर, इतना चिंता करते हैं हर विषय को लेकर। मैं इसमें अपने टीम का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब चिकित्सक लोग और एक संस्थान शुरुआती तौर में जब बनता है बहुत चुनौतियां होती हैं। हम हमारी सारी फैकल्टी उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संस्थान को बनाने में योगदान दे रही है, और उसके बावजूद यदि कोई संकाय सदस्य कोई एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा रखता है तो मैं उसका एक कदम आगे बढ़ के सहयोग करने में यकीन रखता हूँ, क्योंकि वो काम करना चाहता है। ऐसे ही यदि इग्नू के सेंटर की हमारे स्थापना होनी थी तो जब ये पहली बार मेरे पास विचार आया तो मैं एक कदम आगे बढ़ा। मैंने कहा ये जो आदमी अपनी जिम्मेदारी के आगे काम करना चाह रहा है तो काम करने की इच्छा रखता है, उसको सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी फैकल्टी टीम का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक जिम्मेदारी को लिया और हम जिस स्थान पे एम्स ये बनाया गया भारत सरकार द्वारा, हम चाहते हैं कि ये स्थान और जगहों के स्थानों पे कुछ चीजों में पीछे है जिसमें एम्स को योगदान पूरा करना है। और मेरा ये मानना है और मैं ये हमेशा कहता भी हूँ अपनी सरकार से कि एम्स की स्थापना सिर्फ उपचार के लिए नहीं, जो मरीज हमारे आएगा वो तो ठीक होके जाना ही चाहिए, मतलब स्वस्थ और सुखी खुश होके जाए, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी, जिसमें प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। और मुझे लगता है जो कार्यक्रम हम लोगों के साथ हमने सोचा है उसमें ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि यहाँ के लोगों को और सक्षम बना पाए जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके या समाज में उन लोगों को पहचान सके जिनको आवश्यकता है सही समय पर उपचार या राय की, उनको सही दिशा दे सके, तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करने के लिए सक्षम तो बने। तो ये सर, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एम्स एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी और लिया हुआ है। सर, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साथ हमने एक एमओयू किया है पिछले साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान अब है कि हम लोगों को सीपीआर लोगों को सिखाना चाहिए। आज डॉक्टर हुआ, इससे यहाँ के जो छात्र हुए कितने इसको सपोर्ट मिलेगा? देखिए, एम्स इंस्टीट्यूशन और इग्नू विश्वविद्यालय दोनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इसमें इन्होंने इस तरह के कोर्स चलाने का फैसला किया। तो इसमें जो कोर्स हैं वो कोर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ, आपको रोड पर पता ही नहीं है कि क्या करें, बच्चे हैं, जच्चा है, बच्चा है, यहाँ आपको पता है कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण कि जच्चे बच्चे की डिलीवरी में बड़ा प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करना है, उसका क्या केयर होता है। तीसरा सवाल यह है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को आप डिस्चार्ज करें, उसका कैसे केयर, ऐसे पेशेंट जिनका कि मान लीजिए अंत समय निकट है वो घर चले जाते हैं, उनका किस तरह से केयर होगा। तो जिस तरह के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं एम्स और इग्नू ने, दोनों इंस्टीट्यूशन बनाए के बाद दोनों को, और वासुदेव जी को, सुरेंद्र मिश्रा जी और अरविंद सिंह जी और खासकर प्रतिमा गुप्ता जी के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में इस तरह का कोर्स चालू किया।